और क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients. तो आई होप आप लोग इसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले कैसे इसको करना है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 6x² - 3 - 7x, ये है आपका। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो 6x² - 7x - 3, ये कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम के इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो 6x² - 9x + 2x - 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 + 1, तो क्या हो जाएगा, 3x + 1 और 2x - 3। यहाँ से fx = 0, तो हो जाएगा 3x + 1 = 0 और 3x = -1, x = -1/3, ये हो गया आपका। सेकेंड क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2, ये आपका हो गया, 2 zeros हो गया पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, α + β = -b/a। अल्फा क्या है आपका, -1/3 है, बीटा क्या है, 3/2 है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 - 2 + 9, ये आपका आ जाएगा -7/6, तो -b/, तो और हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि -b/a, इसमें हम इक्वेशन में जाएंगे तो b क्या होगा, -3 - आपका b हो जाएगा -7, ये आपका +7 हो जाएगा। तो --7/6, ये हो जाएगा आपका 7/6, तो LHS = RHS। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस α × β क्या हो जाएगा, C/A हो जाएगा, अल्फा इंटू
बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। अल्फा क्या है आपका, माइनस वन बाई थ्री है, इंटू बीटा थ्री बाई टू, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू। और सी बाई ए क्या हो जाएगा आपका, सी बाई ए हो जाएगा आपका माइनस थ्री बाई सिक्स। तो माइनस थ्री बाई सिक्स ये हो जाएगा आपका वन बाई टू माइनस। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हेंस वेरी फाइट, ये आपका वेरीफाई हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड वेरीफाई द रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आंसर, तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं, माइनस टू। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस रूट टू, और क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू रूट टू इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू रूट टू और एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू। ये आपका आ गया, दो इक्वेशन आ गया, दो जीरोस आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफिकेशन कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस माइनस रूट टू, ये आपका हो जाएगा रूट टू माइनस रूट टू, ये हो जाएगा जीरो। तो माइनस बी नहीं है इसमें, तो जीरो ये भी हो जाएगा। अब आ जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। तो अल्फा क्या है आपका, रूट टू इंटू रूट टू माइनस रूट टू, तो ये हो जाएगा आपका टू माइनस में, ठीक। अब सी क्या है, माइनस टू बाई वन, तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, तो लिखेंगे हेंस LHS
इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड, यह अब तो वेरीफाइड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।